हरचंडी नरचंडी दक्षिण चंडी जाण उग्र चंडी कटक चंडी एही जे प्रमाण एमाने बहुत दिनु अछंती उपवास खाइबे बोली कळी रे एहु नर मांस। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आज का नया एपिसोड आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। हरचंडी नरचंडी दक्षिण चंडी जाण उग्र चंडी कटक चंडी एही जे प्रमाण एमाने बहुत दिनु अछंती उपवास खाइबे बोली कळी रे एहु नर मांस। अर्थ, ये पांच चंडियों का नाम है जो कि इस उत्कल में ओडिशा में मौजूद है। इनका नाम है हरचंडी, नरचंडी, दक्षिण चंडी, उग्र चंडी एवं कटक चंडी। ये पांच चंडी बहुत दिन से उपवास पे है, फास्टिंग पे है। क्यों और इनका खाना क्या है? चंडियों का खाना नरमांस होता है, इंसानों का मांस होता है। और ये लोग क्यों उपवास में है, आइए जानते हैं। गुरु अरखित दास अपने ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में लिखते हैं, नरो मांस देबे बोली तांकु नारायण द्वापर युगरु रखी अछि प्रमाण। अर्थ, द्वापर युग में महाभारत के अंत के बाद जब चंडी शुद्ध मांस नर मांस सेवन करने आई थी युद्ध के बाद, तब श्री कृष्ण जी ने उनको रोक दिया। इसलिए रोका था क्योंकि जितने भी मरे पड़े थे सब श्री कृष्ण जी के वंशज थे। इसीलिए उन्होंने चंडियों को ये कहा कि तुम अभी नरमांस का सेवन मत करना, कलयुग के अंत में मैं तुम्हें अवश्य नरमांस दूंगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, कहिली बुझाई रामो न कहिबू तू ही कहिले मते जे आऊ न पाइबू काही। अर्थ, गुरुदेव अरखित दास शिष्य रामदास जी से कहते हैं कि ये गुप्त ज्ञान तुम कभी मत खोलना, अगर तुम प्रकाश करोगे तो मुझे तुम प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं ये सब क्यों खोल रहा हूँ, आपके सामने क्यों प्रकाश कर रहा हूँ? गुरु अरखित दास ने महागुप्त पद्मकल्प में जो जो वाणियाँ लिखी है, जितना मैंने रिसर्च किया है इस ग्रंथ को, गुरुदेव ने साफ साफ कोडेड लैंग्वेज में ये शिष्य रामदास जी को कहा है कि जब कलयुग के अंत के समय बारवा जन्म होगा गुरु अरखित दास का, तब ये जो ज्ञान है धीरे धीरे प्रकाशित होगा। शिष्य रामदास भी उस समय जन्म लेके इस उत्कल में मौजूद रहेंगे, स्पष्ट रूप में लिखा है। और अगर अभी मैं कहूँ, उनका बारवा जन्म खत्म होके तेरवा जन्म हो चुका है। ये अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, ये खुद उन्होंने ही लिखा है। तेरवा जन्म उनका आखिरी है और इसी जन्म में ही ये सब ग्रंथ निकलेगा, सर्वसाधारण में प्रकाशित जरूर होगा। ये मैंने नहीं, खुद उन्होंने कहा है। अभी आप YouTube में देख रहे होंगे मेरे वीडियोस से ज्ञान लेके कुछ व्यक्ति अपना चैनल खोल के अपने जुबानी में कहते जा रहे हैं। अच्छी बात है, मालिका का प्रचार हो रहा है, कल्कि का प्रचार हो रहा है, उत्कल जो कि सत्य की भूमि है उसका प्रचार हो रहा है, कोई बात नहीं, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। हाँ, जो इसको खाली पैसा कमाने का माध्यम चुनता है उसका भयानक अंत होगा। लेकिन ये भी याद रखो, मालिका को प्रचार प्रसार करने से पहले, इस दिव्य ग्रंथ को खोलने से पहले कुछ साधनाओं की आवश्यकता है, और वो साधना कोई नहीं बताएगा। कॉपी पेस्ट वाले तो हजारों हजारों आएंगे, ओरिजिनल एक ही रहता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, आहुरी कथाए राम मनोदेही सुनो
हरचंडी पाखरे जे हेबो लीला मान अर्थ माँ हरचंडी जी का मंदिर है पूरी श्रीक्षेत्र में, वहां पे लीला होगा। क्या लीला होगा? आगे गुरुदेव कहते हैं जोगांत नागांत सबू परीक्षा होइबो, वेदांत सिद्धांत सबू परीक्षा जे देव, जांत्रिक मांत्रिक सबू परीक्षा जे हेब, सप्तांग जे अष्टांग जे परीक्षा सरीब, तंत्र मंत्र सूत्र जंत्र गायत्री सावित्री परीक्षा होइबो राम सुण दिवारात्रि। अर्थ बहुत प्रकार के भक्त होते हैं, कोई मंत्र साधना करता है, कोई तंत्र साधना करता है, कोई योग माध्यम से सप्तांग अष्टांग योग सिद्ध करके साधना करके भक्ति करता है, कोई एक सूत्र में अर्थ कोई गुरुदेव का दीक्षा लेके भक्ति करता है, कोई गायत्री का भक्ति करता है, कोई सावित्री का भक्ति करता है। ये जितने भी भक्त तुम देख रहे हो इस महिमंडल में, सबका परीक्षा होगा और माँ हरचंडी लेगी। ये माँ हरचंडी प्रत्यक्ष देवी है, जीवित देवी है, इसको मूर्ति मत समझना। आगे गुरुदेव कहते हैं परीक्षा न देले हरचंडी जे खाइबे, सबु देवी माने जाई एको मेलो हेबे। अर्थ अगर कोई परीक्षा नहीं देगा तो उसका अंत हरचंडी ऐसे ही कर देगी। जितने भी देवी हैं सब इकट्ठा होके ये परीक्षा जरूर लेगी। आगे गुरुदेव कहते हैं आहुरी कथाएं सुनो रामचंद्र तू ही, कटक पाखरे भक्त मेले हेबे जाई। अर्थ और एक बात शिष्य रामदास ध्यान से सुन, कटक जो है उसके निकट भक्त एकत्रीकरण होंगे। आगे गुरुदेव कहते हैं आउ एक कथा बाबू पड़ी गला मने, पाख को आसिले कही सबु तोर काने, महानदी काठ जोड़ी मध्य स्थले भागे, बीरूपा पाखरे एक कूद मध्य भागे। अर्थ और एक स्थान के बारे में मैं कहता हूँ, जो महानदी और काठजोड़ी नदी है उसके मध्य स्थल में बीरूपा नदी के निकट एक आइलैंड है। यह आइलैंड को क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है। क्या होगा? हणा कटा गोड़ो माड़ केते जे होइब, पिता पुत्र भाई बंधु के ही न चिन्हिब, स्वामी स्त्री भाई भाई कटा कटी हेबे, भाई भौ देड़ो सुर मोरा मोरी हेबे। अर्थ यहीं से आरंभ होगा, पिता पुत्र का झगड़ा आरंभ होगा, भाई भाई का आरंभ होगा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा यहीं से आरंभ होगा। जितने भी फैमिली में तुम तनाव कलयुग के अंत में देखोगे सब इसी स्थान से आरंभ होगा। ये सब घटना हो चुका है और अभी ये पूरी पृथ्वी में छा चुका है। दोस्तों ये जो घटना अभी मैंने कहा, गुरुदेव ने लिखा है ग्रंथ मागुप्त पद्मकल्प में, ये कली का प्रकोप है जो कि कटक के एक गुप्त स्थान से आरंभ होके पूरे पृथ्वी में प्रचलित हो चुका है। घर घर में जो कली आज आप देख रहे हो, झगड़े हो रहे हैं, मार काट हो रहा है, जमीन के टुकड़े के लिए भी एक भाई दूसरे भाई को मार दे रहा है, तो इसका आरंभ यहीं से हुआ था। कली ने आरंभ किया था, कली पुरुष ने नहीं, कली एक ऐसा व्यक्ति जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है लेकिन हर जगह मौजूद रहता है। आगे गुरुदेव कहते हैं उत्तरु लागिबो कोली दक्षिणे छिड़िबो, पश्चिमु आसी देवी मुंडो जे मुड़िबो, पूर्व दिगु जगन्नाथ बाहुड़ी आसिबे, बड़देवंकु बाटरे पुणी जे पाइबे। अर्थ उत्तर से कली लगेगा, दक्षिण में टूटेगा और पश्चिम से देवी निश्चिता के संहार करेगी। उसी समय पूर्व से तुम जगन्नाथ जी को आते हुए देखोगे और रास्ते पे ही बलदेव उनसे मिलेंगे। दोस्तों ये अति गुप्त चीजें हैं
मैं इसीलिए ज्यादा नहीं कह रहा हूं, फिर भी ट्रांसलेट करके आपके सामने रख दिया है। जो भक्त हैं उनको जरूर मालूम हो गया होगा आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।